क्योंकि भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। यूपी के रामपुर में अपने गुनाहों की सजा काट रही शबनम को फांसी की सजा होते ही सुर्खियों में आने वाली हत्यारे शबनम को रामपुर जेल से निकालकर बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। रामपुर जेल से हत्यारे शबनम का फोटो वायरल होने पर शबनम को बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लापरवाही होने पर रामपुर के दो सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। माता पिता समेत सात लोगों के परिवार के सात लोगों की खूनी दास्तान लिखने वाली यूपी के अमरोहा जिले की बावनखेड़ी नरसंहार की खलनायिका शबनम, जिसको बरेली के जेल भेज दिया गया है। शबनम जुलाई 2019 से रामपुर की जेल में बंद थी। शबनम का फोटो वायरल होने के मामले में जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया ने दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी की रहने वाली शबनम को हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है। उसने 13 साल पहले 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी। शबनम रामपुर जेल में बंद थी, लेकिन सोमवार को उसे बरेली जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल शबनम की मुस्कुराते हुए फोटो रामपुर जेल से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जेल के स्तर से कराई गई जांच में इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद शबनम और फोटो के साथ बंदी को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जेल के भीतर कैमरा पहुंचने और फोटो खींच कर वायरल होने के मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए बंदी रक्षक नाहिद बी और शुएब खान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा कारणों के चलते शबनम को बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे मामले की विभागीय जांच मुरादाबाद के जेल को सौंपी गई है। बता दें, सात परिजनों की हत्या की दोषी शबनम को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। साल 2008 में हुए बावनखेड़ी कांड के खुलासे के बाद शबनम को मुरादाबाद जेल में रखा गया था। साल 2019 में रामपुर जेल में भेज दिया गया था। तब से शबनम रामपुर की जेल में फोटो को लेकर वायरल हुआ था, जिसकी प्रथम दृष्टा जांच की गई। उसमें दो बंदी रक्षक दोषी पाए गए और प्रशासनिक दृष्टि से महिला बंदी शबनम को जिला कारागार बरेली स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये जो फोटो वायरल हुई थी, ये रामपुर जेल से थी? ये रामपुर जेल होती थी, उसी में इनको जो है प्राथमिक जाँच करके जाँच के लिए मुरादाबाद मंडल भेज दिया। अच्छा, ये जो फोटो वायरल हुई थी कब की वायरल थी, क्या आया जांच में? ये जांच में 26 जनवरी के जो है 26 जनवरी के टाइम पर ली गई थी। तो उसकी सजा के तौर पे शबनम को यहाँ से जो भेजा गया बरेली, प्रशासनिक आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से उसको वहाँ भेजा गया। अच्छा, तो ये जो अमरोहा जेल से डेड वारंट की मांग करी थी, उसका क्या हुआ? उसमें अभी कोई वहाँ से न्यायालय से आदेश प्राप्त नहीं। अच्छा, तो जो फोटो में क्या कार्रवाई की गई है? फोटो में दो बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया और दोनों जिनकी फोटो थी उनको प्रशासनिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उनको जिला कारागार बरेली स्थानांतरित। अच्छा, वो दोनों बंदी थे जिनकी फोटो वायरल हुई थी?